हेलो दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। यानी कि सामान्य जीवन जीने के लिए ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल एक चौथी मूलभूत आवश्यकता भी हमारे साथ जुड़ गई है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। आजकल हम बिजली के उपकरणों से घिरे हुए हैं, और बिना बिजली के जीवन यापन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है, कहाँ बनती है, और बनने के बाद कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करके ये हमारे घरों तक, हमारे मोबाइल फ़ोन तक कैसे पहुँचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजली बनाने के लिए जनरेटर का यूज किया जाता है। जनरेटर की शाफ्ट को 3000 आरपीएम पर रोटेट करने पर 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आसान शब्दों में कहें तो जनरेटर की शाफ्ट को घुमाने से बिजली बनती है। लेकिन इस शाफ्ट को लगातार घुमाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए हम इसके पीछे एक टरबाइन यूज़ करते हैं, जिसको अलग अलग तरीकों से घुमाया जा सकता है। इन तरीकों के अकॉर्डिंग ही पावर प्लांट, यानी कि जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला तरीका है पानी से हाई प्रेशर की स्टीम को जनरेट करके स्टीम टरबाइन को रोटेट करना। और पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा कोयला यूज करते हैं। तो इस तरीके के पावर प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, जिसमें कोयले की सहायता से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और वो स्टीम हाई प्रेशर के साथ टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और टरबाइन को रोटेट करती है, और टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है, और इस तरीके से बिजली प्रोड्यूस होती है। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला तरीका है नदियों पर बांध बनाकर ऊंचाई से पानी के प्रेशर की सहायता से टरबाइन को रोटेट करना। ये टरबाइन स्टीम टरबाइन की तुलना में थोड़ा सा अलग होती हैं, और इनको हाइड्रोलिक टरबाइन्स बोला जाता है। और इस तरह के पावर प्लांट, यानी कि जहाँ पर बांध बनाकर पानी के प्रेशर से बिजली बनाई जाती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। थर्मल पावर प्लांट के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी भारत के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है। तीसरी तरह के पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट में सोलर पैनल की सहायता से डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसमें किसी टरबाइन या जनरेटर की जरूरत नहीं होती, और सोलर पैनलों का एक अरे बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मिरर की सहायता से एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करके बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है, और इस तरीके से स्टीम प्रोड्यूस भी की जा सकती है, जो आगे स्टीम टरबाइन को रोटेट करके जनरेटर को रोटेट करती है। इस तरीके के सोलर पावर प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। फोर्थ टाइप, यानी कि विंड पावर प्लांट के अंदर हवा की सहायता से पवन चक्कियों को घुमाया जाता है। तेज गति से चलने वाली हवाएं विंड टरबाइन को रोटेट करती हैं, और ये टरबाइन जनरेटर को रोटेट करती हैं। इस तरीके के पावर प्लांट समुद्र के किनारे या जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, जैसे कि राजस्थान, वहाँ पे काफ़ी यूज होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की गर्मी से भी स्टीम प्रोड्यूस की जा सकती है, जो स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है। जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है, उनको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से पावर प्रोड्यूस की जाती है। इन सब के अलावा भी काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि जियो थर्मल पावर प्लांट में धरती के अंदर की गर्मी का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसी प्रकार टाइडल पावर प्लांट के अंदर ज्वार भाटे से उठने वाली लहरों का यूज किया जाता है पावर प्रोड्यूस करने के अंदर। ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट के अंदर समुद्री की ऊपरी और निचली सतह के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बायोगैस से भी पावर
पावर प्रोड्यूस की जा सकती है। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिजली को मापने की इकाई है वाट, लेकिन वाट बहुत एक छोटी यूनिट है, इसलिए हम किलोवाट, मेगावाट या गीगावाट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर को मेजर करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी पावर प्रोड्यूस की जाती है और किस प्रकार की जाती है। आज हम जानते हैं इंडिया का पावर शेड्यूल क्या है, यानी कि कौन कौन से पावर प्लांट कितनी पावर जनरेट करते हैं। इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 104,000 मेगावाट है, यानी कि हम 104 गीगावाट पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस की जाती है थर्मल पावर प्लांट के थ्रू, यानी कि जो पावर प्लांट कोयला यूज करते हैं पावर को जनरेट करने के अंदर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमारे टोटल पावर का 11% पावर जनरेट करते हैं। इसी तरीके से सोलर पावर प्लांट के थ्रू 15% पावर जनरेट की जाती है। 10% पावर हमारी विंड टर्बाइंस के थ्रू जनरेट की जाती है। ओनली 1% पावर इज जनरेटेड थ्रू द न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले फ्यूचर्स में इसकी परसेंटेज काफ़ी बढ़ सकती है। बाकी बचे हुए 5% पावर हमारी अन्य पावर प्लांट जैसे कि जियो थर्मल, टाइडल पावर प्लांट, ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट, बायोगैस पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है। तो ये है इंडिया का पावर सिनेरियो, यानी कि इंडिया के अंदर टोटल पावर किस किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल कितनी पावर प्रोड्यूस होती है और कौन कौन सी कंपनीज पावर प्रोड्यूस करती हैं। पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को हम तीन सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर के अंदर वो कंपनीज आती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जैसे NTPC और NHPC। इसी तरह स्टेट सेक्टर के अंदर आने वाली कंपनीज HPGC, जैसे हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, अरुणाचल प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, इस तरीके की कंपनी आती हैं जो राज्य सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी पावर लिमिटेड, इस तरीके की कंपनीज शामिल हैं। अगर टोटल पावर प्रोडक्शन की बात की जाए तो करीब इंडिया के अंदर 405,000 मेगावाट यानी कि करीब 405 गीगावाट पावर प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर सेंट्रल सेक्टर करीब 24% पावर प्रोड्यूस करता है और इतनी पावर यानी कि 26% पावर करीब स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं। बची हुई 50% या यू कैन से 49% पावर प्रोड्यूस की जाती है प्राइवेट सेक्टर्स के।